सबका अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत। मैं अनुराधा शारदा आप सबका अभिनंदन करती हूँ और धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हमारे वीडियोस देखे, सराहे, उन पर अपने कमेंट्स और सुझाव लिखे। आज हम फिर से चंद्रशेखर शर्मा जी के साथ हैं और जैमिनी सूत्र पढ़ रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत। आगे बढ़ने से पहले आप सबको ये बता दें कि सर की अपनी खुद की वेबसाइट है और यूट्यूब चैनल भी है और वहां पर बहुत सुंदर सुंदर भिन्न भिन्न टॉपिक्स पर आपको वीडियोस भी मिलेंगे, तो वहां जरूर जाएं और सर की वेबसाइट पर उनके ब्लॉग्स भी पढ़ें और सर ने किताबें जो लिखी है उनमें भी बहुत ज्ञान है, जो आप उनकी किताबें भी मंगवा सकते हैं। सर तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं जैमिनी सूत्र? आज हम पिछला जो हमने पढ़ा है पिछले लेक्चर में या हमारे संभाषण में उसके हम आगे बढ़ रहे हैं। ये भी स्वांश से ही संबंधित है, ये सूत्र चल रहा है जी सर। और हमने जैसा वहां देखा कि वो स्वांश का अर्थ स्वांश भी रह सकता है, उससे दूसरे द्वितीय भाव भी रह सकता है क्योंकि एक जगह पत्र बोला हुआ है। हाँ। तो पत्र का कटपया यदि हम जब करते हैं तो उसका अर्थ दो होता है जी। ये दोनों भी हो सकता है। तो अब हम इससे आगे जाएंगे कि अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इनको हानि क्या होती है, इनके शरीर को या इनके मकानों को, है ना? क्योंकि मकान और मकान भी हमारी संपत्ति मानी जाती है, द्वितीय भाव है वो, है ना? धनस्थान है तो एसेट जिसको बोलते हैं राधा, ऐसा तो मकान चतुर्थ भाव से देखते हैं पर हमारे जो भी एसेट्स रहते हैं उनको हम द्वितीय भाव से देखते हैं। इसमें अलंकार आ सकते हैं, इसमें वस्त्र आ सकते हैं, ये सब द्वितीय भाव है। इसमें जैमिनी जी ने और भी कुछ सोचा है उसके बारे में हम जैसा देखते रहेंगे तो बोलेंगे। अब हम पहला सूत्र ये चालू करेंगे, मेरे ख्याल से 23वां सूत्र है, रवि राहुभ्याम सर्प निधनम। रवि और राहु यदि स्वांश में या उसके द्वितीय भाव में रहे तो उस जातक का सर्प के काटने से निधन होता है। क्या ये हर वक्त सर्प से ही होगा? ये हमें सोचना पड़ेगा। आपके काल के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो इतने साफ दिखते नहीं। हम जब बच्चे थे तब तो वो ऐसे ऊपर ऊपर से गिरते थे तो हमको उसकी आदत थी, तो पहले मकान भी वैसे ही थे और बड़े भारी प्लॉट रहते थे तो जंगल वंगल बढ़ा रहता था, तो आजकल तो नहीं मिलेगा। तो सर्प का दूसरा अर्थ ये है कि ये जो विष का सर्प से संबंध है। राहु को फणिंद्र बोलते हैं, फणिंद्र यानी नाग बोलते हैं। तो हमारे यहाँ कोई भी शब्द दिया तो उसके पीछे बहुत सारे अर्थ रहते हैं। जब नाम दिए हमारे विद्वानों ने तो ऐसे बगैर सोचे समझे नहीं दिए कि कुछ तो भी दिमाग में आ राहु बोल दो राहु बोल दिया, ऐसा ऐसा कुछ नहीं था, ये तो हम ऐसा समझते हैं। तो ये रवि को हम डॉक्टर भी समझते हैं, है ना? तो ये जो डॉक्टर है इसके साथ यदि विष आ गया तो इसमें दूसरा भी हो सकता है कि यदि समझो यहाँ शुभ ग्रहों का प्रभाव होगा तो क्या होगा, तो ये भी तो हो सकता है कि ये विष के द्वारा आपके उपचार करने वाला होगा। सांप यदि काटता है तो सांप ही के विष से आपको उससे मुक्ति मिलती है, एंटीडोट। हाँ, या काफी आजकल के जो मॉडर्न जो अर्वाचीन हम बोल सकते हैं शुद्ध हिंदी में, मैं भी कभी कभी दूसरे शब्द वापर लेता हूँ तो माफ कर दीजिएगा, परंतु अर्वाचीन जो हमारा वैद्य शास्त्र है इसमें फिनॉल बारबिट्यूरेट्स कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ये भी पॉइजनस ड्रग्स है, उसको शेड्यूल एल ड्रग्स भी बोलते हैं। काफी इससे ज्यादा भी और हैं जो है तो पॉइजन परंतु लोगों को उपचार के द्वारा उनको ठीक करते हैं जी, तो ये भी रह सकते हैं, इतना तो पक्का है। अब क्या हमारी सोच सही है तो हम आगे सूत्रों में जाएंगे तो ख्याल में आएगा कि हमारी गलत तो नहीं है, सही होगी या नहीं होगी आप लोग उसका निर्णय करेंगे, आपके पास जो राशि चक्र आते हैं उसमें उसका प्रयोग करके देखना। मुझे ऐसा लगता है कि ये द्वितीय भाव से ही ज्यादा संबंधित होगा परंतु स्वांश में भी रह सकता है क्योंकि रवि ये लग्न भाव का कारक भी है, इसे न भूलिए। तो अब अगला सूत्र क्या बोलता है, वो बोलता है शुभ दृष्टे तन निवृत्ति। ऐसा नहीं होगा, कब नहीं होगा, जब शुभ ग्रह इसको देखेंगे। कैसे देखेंगे? जैमिनी दृष्टि से, क्योंकि जैमिनी ने राशि दृष्टि का ही जिक्र किया तो हम राशि दृष्टि से देखेंगे। कहां देखेंगे? मेरे हिसाब से स्वांश में बोला है तो हो सकता है कि हम नवांश में, जिस नवांश राशि में अक्षर आत्मकारक बैठा है वहां से द्वितीय स्थान या उसी स्थान को इसको देखेंगे, है ना? और वहां पर
नैसर्गिक है कि राशि दृष्टि ही काम करेगी, क्योंकि अंशों में जरूरी नहीं है कि वो आपके सामने दिखा दे रहा है, समझो तो वो 180 अंशों में होगा ऐसा जरूरी नहीं है, है ना। तो क्योंकि 9 अंश रहते हैं एक राशि में, तो एक राशि में एक अंश में ये ग्रह बैठा है और उसके 7वें अंश में दूसरा ग्रह बैठा है तो वो एक ही राशि में, उसमें 180 अंशों का तो फर्क पड़ा नहीं, परंतु 9 अंश में वो सामने दिखेगा, है जी ना। तो यहाँ ग्रह दृष्टि हम नहीं देख सकते, यहाँ हम राशि दृष्टि ही देखना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अरे का मानना अलग अलग हो सकता है, ये जब हम जैमिनी के सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं। तो शुभ दृष्टे तन्निवृत्ति, अब ये शुभ दृष्टे से तो ये नहीं होगा, चलो नहीं काटेगा तो फिर क्या होगा, शुभ मात्र संबंधात जांगुलिक। यदि इससे केवल शुभ ग्रहों का संबंध होगा, इसका मतलब दृष्टि इसलिए नहीं लेंगे कि आगे जाके दृष्टि का उन्होंने बताया है, हमें ये ख्याल में रखना है कि ये सब सुसूत्र है। तो केवल यदि शुभ ग्रहों का ये रवि और राहु से संबंध होगा तो ये विष प्रयोग से आदमी को सुधारने वाला, विष वैद्य बोलते हैं उसको, जो विष दे के किसी का उपचार करके उसको जिंदगी दे सके, ये ऐसा हमने पहले भी राहु का देखा हुआ है उसके पहले इसमें, कि वो चौराष्ट्र जांगुलिक लोह यंत्रनिश्च ऐसा उसके करियर के बारे में पिछले इसमें बोला है ना। तो जांगुलिक का दोनों भी अर्थ होते हैं, वो विष दे के मार भी सकता है और अच्छा भी कर सकता है, पर यहाँ शुभ का संबंध आ गया तो ये सुधारेगा, ठीक है। इसके बाद में आता है कि अब तो इसके तो शरीर का तो हो गया, इसके प्रॉपर्टी का क्या होगा, इसकी जो संपत्ति है जो धन है, जिसमें हम धन संपदा जब बोलते हैं, धन धान्य समृद्धि वगैरह ऐसा हम कहा जाता है, तो इसमें हमारा मकान भी आ सकता है। कुछ मात्र दृष्टे गृह दाह को अग्नि दोवा, इसपे यदि केवल मंगल देख रहा है इस रवि और राहु के केवल मंगल या देख स्वांश में होने के स्थिति को यदि कुछ देख रहा है, यानी मंगल देख रहा है जो खुद अग्नि तत्व का स्वामी है, तो ये या तो अपने घर को जलाएगा या घर जलाने के लिए किसी को माचिस वाचिस की डब्बी देगा, अग्नि देगा, अग्नि दोवा गृह दाह को, यानी घर जलाने वाला होगा, या घर को अग्नि देगा कि भाई ये अग्नि ले और तू जला दे, है ना। ऐसा कुछ करते हैं तो होते रहते हैं, ऐसा सर यहाँ ये एक बात, रायट्स वगैरह में ऐसा बहुत बार होता है कि जलाने वाला दूसरा रहता है, एक उसको दे देता है। और आपको याद होगा कि वो सिखों के इसमें वो कुछ पुलिस लोग करते थे, ऐसा कहा जाता है मालूम नहीं, पर देखो ये पुलिस भी मंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है ना। मंगल को हम जो सैन्य है या अर्धशास्त्र बल है, इनको हम रिप्रेजेंट करता है मंगल, तो जी कभी कभी ऐसा हो सकता है, ये है या नहीं मुझे नहीं मालूम, उस वक्त क्या हुआ तो भगवान को जाने होगा तो मुझे नहीं पता, पर मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, हम वर्तमान पत्र पढ़ते रहते हैं तो हमें करेक्शन आना चाहिए उसमें क्या है। सर मैं एक बात यहाँ पूछना चाहूंगी, जी ये किसी का घर जलाना, जो मंगल जो बोल रहा है कि स्वयं का घर जलाना, सर ये हम एकदम एकदम उसको वर्ड बाय वर्ड लेंगे कि भाई वो लिटरली अपने घर को आग नहीं लगा नहीं रहा है? ऐसी जरूरत, मैं आगे वो बोलने वाला था कि कभी क्या होता है, बच्चे रहते हैं, कोई दीपक गिर जाता है, कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है, आजकल तो शॉर्ट सर्किट होता है, हमारे वक्त दीपक गिर जाता था, हाँ सर या पूजा करते वक्त दीपक यदि जलाते रहे तो वो शायद हाथ से गिर जाए। बच्चियों को आदत रहती है, वो खुद को भी जला लेती है कई बार, वो साड़ी वाड़ी का पल्लू इधर उधर कर देती है, तो वो हमारा क्या है वो कुकर वगैरह के वक्त कोई बच्चा आ गया वो लग गई, तो ऐसा भी जलता है घर, कोई जानबूझ के घर ही जलाना ऐसा नहीं है, पर ये गृह दाहक होता है, मतलब गृह को आग लगने में इसका कुछ ना कुछ संबंध रहता है। पूरा घर जलेगा क्या, ऐसा भी जरूरत नहीं है, इसे भी समझो, खाली क्योंकि एक जगह ही हो सकती है। गृह ये संकल्पना बहुत बड़ी है, एक आधे रूम में लग जाए, हो सकता है उसके साथ वस्त्र का कोई स्वामी आ गया, जैसा शुक्र जी उसके साथ ही बैठ गया तो वस्त्र जल जाए, तो वो घर में जलेगा, वो रस्ते पे जाके नहीं जलेगा ना। तो इसे हमें समझना है। हमारे वक्त तो बहुत बार होता था, वो लालटेन वालटेन गिर जाती थी और वो उसका रॉकेल भी बहता था और आग लग जाती थी, हम सब चिल्लाते थे। नहीं सर मैं ये भी पूछना चाह रही हूँ कि सर ऐसा जी भी हो सकता है कि वो व्यक्ति कुछ ऐसा कार्य करे जिसके कारण घर में बहुत प्रॉब्लम्स खड़े हो जाएं, बहुत वो उसको भी घर जलाना। नहीं, ये हो सकता है, पर यहाँ पर ये
हम उस कैसे कह संदर्भ सकते में हैं नहीं बोल नहीं, रही, वो अपने घर के सदस्य को जरूर जला सकता है। हाँ तो कई बार वो बीवियों को अगर जलाते हैं लोग, तुमने सुना होगा कभी, क्योंकि हाँ पहले तो दहेज वो के लिए बहुत कुटुंब ज्यादा, है, वो कुटुंब है। नहीं, हाँ ये अग्नि की ही बात कर रहा है, ये उसमें, हाँ, उनमें मतभेद की बात नहीं कर रहा, ये झगड़ों की बात नहीं एग्जैक्टली कर रहा, ये अग्नि की एग्जैक्टली बात कर रहा, अग्नि तत्व है। और किसको कर रहा? वो द्वितीय भाव से संबंधित रवि राहु भी वहां पर होना, हाँ रवि राहु, ये राहु आते साथ जो उसका कारण है ना, वो कई बार समझता नहीं है क्यों हुआ। तो हम जी बोलते हैं एक्सीडेंटली ऐसा हो गया। पहले जी जी लोग सिगरेट पीते पीते सो जाते थे, खुद का बिस्तरा जला डालते थे, है ना, आपने सुना होगा कभी। आजकल वो मोबाइल फोन चार्जिंग को लगा देते हैं अपने बिस्तर पे, वो उसकी बैटरी फूट जाती है। हाँ ये भी इसी में आएगा, जी क्योंकि राहु होने से हमें ये समझ सके, ये तो कुछ तो भी अचानक होगा, वो करने जाएंगे भले कुछ तो भी हो जाएगा। ये तो हमें हमारा विवेक इसमें उसका प्रयोग करना चाहिए। हम केवल ऐसे यदि शब्दशः लेने लगे तो फिर उसमें उन्होंने एक सूत्र पे एक किताब लिखना पड़ता उनको, तब वो हमें समझता है। तो ज्योतिष को सोचना पड़ेगा कि ऐसे परिस्थिति पे क्या, ये द्वितीय भाव से संबंधित है, और भी कुछ हो सकता है। द्वितीय भाव से जो जो चीजें आती है उस वहां पर पे ध्यान अग्नि के प्रयोग का कुछ न कुछ संबंध दो। है ना। कई बार बच्चों वो कुकर उनका बर्स्ट हो जाता है, जानबूझ के थोड़ी करती है, उसको मालूम करने गए भलता ही हो गया। राहु का स्वभाव जो है वो किसी चीज को छुपा के रखने का है ना, तो उसका प्रत्यक्ष कारण वो होगा भी नहीं, वो करने एक जाएगा और जल जाएगा क्वेश्चन। तो ये भी हो सकता है, इसे हम ध्यान रखें। नहीं तो किसी को भी बोलेंगे तू अपना घर जला देगा, ऐसा मत बोलते जाओ। बच्चों के खेलने वेलने में कई बार घर को आग लग जाती है, ऐसा कोई नई चीज नहीं है, परदेश में भी लगती है। हमें लगता है कि यही होता है, ऐसा नहीं है। तो मेरी एक शिष्य है, उसको मैंने ऐसे बोला, बोले हाँ मेरे हाथ से एक बार हो गया था, तो मैं बहुत अच्छा हो गया। तो बोले अच्छा कैसा हो गया? अरे मैं बोला यह एक सूत्र का प्रूफ हो गया, चिंता मत कर तू। तो फिर इसके बाद में इन्होंने हमें बोला कि शुभ ग्रह से तो उसकी निवृत्ति होती है, पर यहाँ अब देखो ये सूत्र धीरे से कैसा पलटता है। शुक्र दृष्टे न दाह, अब ये ज्यादा द्वितीय भाव अष्ट भाव इनके संबंध में बात कर रहा है, ये अभी विष का शायद संबंध चला गया है। और ये सूत्र के सूत्र में ही उन्होंने एक सूत्र और छोटा सूत्र और निकाल दिया। तो शुक्र यदि वहां देख रहा है, केवल मंगल देखेगा तो वो अग्नि देगा या जलाएगा, शुक्र यदि देखेगा उसी मंगल पे, वो शुक्र, ये दोनों कहाँ देखेंगे? तो रवि और राहु पे। देखिए ये सूत्र इतना आसान है, और यही समझता है कि योग बनता कैसा है। इसमें मैंने कई बार मेरे ख्याल से योग पे कोई तो भी लेक्चर में बोला या कहा, मुझे तो आजकल याद रहता नहीं, शायद मेरे वीडियो में भी बोला, एक कोई कॉन्फ्रेंस में भी बोला कि योग केवल दो ग्रह इकट्ठा होकर नहीं आते, बहुत सारी चीजें होना पड़ता तब कुछ होता है। ये उसका उदाहरण है, राहु केतु है स्वांशो में या स्वांशो से द्वितीय में, उसपे केवल मंगल देख रहा है वो अग्नि लगा देता है, और शुक्र यदि देखे तो वो अग्नि नहीं लगाने देता, क्योंकि शुक्र ये आपको मालूम है ये पानी का ग्रह है, ये पानी डाल देता है, ऐसा आप समझो उसको, है ना। क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई, जब जब बहुत विद्वान लोग लिखते हैं और हमें कई बार वो अटपटा लगता है, तो हमें ये सोचना चाहिए कि उन्होंने बहुत अध्ययन करके आपको संक्षिप्त में समझाने की कोशिश की, परंतु वो हवा से नहीं आया, वो ये ज्योतिष के मूल तत्वों से ही आधारित है। इसलिए हम जब बोलते हैं कि पारंपरिक ज्योतिष अलग है, जैमिनी अलग है, या कृष्णमूर्ति अलग है, फला, ये कोई अलग नहीं है, ये पारंपरिक से ही आया है, हरेक ने अपने दृष्टि से उसे बनाया है। और हो सकता है कि उसके शिष्यों को उस दृष्टि से समझाने पे ही उसका अर्थ समझा, क्योंकि आखिर में तो ज्योतिष का मतलब ये है कि भाई लोगों को हमने यूज मदद करना करना होना है, चाहिए। जो आनंद में वो आपके पास कभी नहीं आएगा, जो दुख में वही आएगा, है ना। डॉक्टर और ज्योतिष वैसे एक ही लेवल पे रहते हैं, तो हम उनको लगता है, परंतु हम मदद करते थे वो तभी आएगा, तो उसके लिए बना है। तो शास्त्र मूल शास्त्र से अलग नहीं रहे, जहां भी मूल शास्त्र से अलग होता है तो पूर्व शास्त्र ही उस पर हावी होता है। इसका उदाहरण अष्टक वर्ग के चैप्टर में पाराशर ने दिया है, उसे पढ़ने की चेष्टा कीजिए। जब वो बोलते हैं कि ये सब है, परंतु ये पुराना मैंने जो बताया इसके ऊपर नहीं जाएगा,
या ऐसा ऐसा अष्टवर्ग से होगा, परंतु यदि उससे इसमें मतभेद है तो वो होगा ये नहीं होगा। ये पाराशर बोलते हैं जिनको अष्टवर्ग में रुचि है उन्होंने देख लेना, पढ़ लेना चाहिए पूरा ढंग से, है ना। तो ये इसलिए नहीं मैं बोल रहा कि मैं पाराशर का कोई, क्योंकि 18 प्रवर्तक थे हमारे, तो 18 लोगों ने अलग अलग ढंग से हमारे ज्योतिष शास्त्र के बारे में, परंतु उसका जो मूल जो सूत्र है वो शिव से ही आया हुआ है। सूत्र के हर एक ने अपने अपने ढंग से उसको बुना है, वो ताना बाना बुना हुआ जो पूरा कपड़ा है उसे हम देख रहे हैं। तो हम ये सोचते ये धागा अलग है, वो धागा अलग है, कुछ नहीं, ये सब धागे नहीं रहे तो कुछ भी नहीं है, है ना। तो माफ करना मैं थोड़ा भटक गया इससे, तो हमारे ऊपर में ऐसा होता रहता है। अब हम देखते हैं गुरु यदि देखे तो क्या होगा। जी सर, इन पे यदि गुरु देखता है तो शुक्र नहीं देखना चाहिए। अब कुछ मात्र दृष्टि तो रहेगा क्योंकि आग लगाना है, परंतु गुरु देख रहा है तो वो क्या करेगा, वो होशियार है। अच्छा, वो जिसको देखता उसको नुकसान तो नहीं पा, वो बाजू के घर में आग लगाने के लिए कुछ दे देगा, है ना। बोलता है समीप गुरु, तो आज समीप गुरु गुरु है, उसका कर्तव्य जहां दिखेगा वहां तो गड़बड़ नहीं कर सकता, तो बाजू में करेगा, क्योंकि ये कुछ है ना बैठा हुआ, ये जो मंगल देख रहा है या और भी कहीं देखता है, इसको तो तीन दृष्टि है। गुरु अपने घर को नहीं होने देता, बाजू के घर को करेगा, वहां समीप गृहात, बाजू के घर में लगाने के लिए मदद करेगा। कौन ये कुजर, इसको कुजर को मत भूलो, नहीं तो केवल गुरु देखेगा और वो वैसा नहीं होने वाला, कुजर को तो देखना ही पड़ेगा क्योंकि आदमी तत्व जाना पड़ेगा। सूत्र चला रहा है, ये सूत्र ही चला रहा है। और गुरु क्या है, ये वसा है, है ना, ये अग्नि को जलने के लिए वसा मदद करती है, है ना। चर्बी में पुराने होकर चर्बी में ही लगाते थे, ये घी भी जो है ये एक प्रकार की चर्बी है, चिंता मत कीजिए, तो बदन की तो नहीं है पर हम उसको वसा ही बोलते हैं। तो उसमें से वो खुद तो नहीं जलाएगा, अब उसको मदद कर देगा किसी को। देखो कितने खूबसूरती से उनके मूल तत्व और क्या होने वाला है इसका संगम किया हुआ है। इसलिए जैमिनी का समझना बहुत मुश्किल है, मुझे भी अभी तक पूरा समझा नहीं। आप लोगों के सहायता से हम इसमें से कुछ निकालने की कोशिश करेंगे। इसके बाद क्या होता है, फिर आता है गुलिक। हर वक्त प्रश्न ये आता है कि गुलिक का क्या महत्व है। गुलिक और मानदीय अलग है, ये पहले समझ लीजिए। गुलिक यानी हम दिन को 8 हिस्से में बांटते हैं, फिर पहले 7 जो है शनि के बाद का जो हिस्सा है जिसका कोई स्वामी नहीं है वहां पे गुलिक है ऐसा बोलते हैं, परंतु शनि का जो अंश आखिरी का जो है उसे गुलिक समझा जाता है। तो ये गुलिक है, इसको बोलते हैं ये शनि का पुत्र है और ये बड़ा विषैला है, पर ये बीज धीरे धीरे देता है। अब ये धीरे धीरे कैसा देता है हम देखेंगे। तो ये बोलते हैं इनके साथ, यानी ये रवि केतु जो बैठे हैं ना दूसरे में, वो सूत्र अभी टूटा नहीं है, इनके साथ यदि गुलिक बैठ गया, क्योंकि स्वांश में बैठा है, अब ये स्वांश में बैठा है और गुलिक भी वहां है, तो ये इसके दिमाग में चरात्मा कारक है ना, इसका मूल स्वभाव में ये धीरे धीरे विष डालने की आदत है। सगुलिके विषदो विष हतो वा, ये या तो विष देगा या विष से इसकी मृत्यु हो जाएगी, समझ लीजिए। तो फिर से गुलिक का जो मूल स्वभाव है उसको किस ढंग से इन्होंने यूज किया, इसका वर्णन किया है और आपको कुछ समझाने की कोशिश की है। पहले जमाने में राजाओं को विष धीरे धीरे दिया जाता था, वो गुलिक है ना, तो वो धीरे धीरे विष देगा, वो खून के बूंद के समान है ऐसा उसका वर्णन है। एक बूंद है, इसका आपको यदि सोचना है इतिहास में जाके, तो चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का जो बिंदुसार था उसके गले में एक बिंदु गया विष का, इसलिए उसका नाम बिंदुसार हुआ, और उसको बचाया था आर्य चाणक्य ने, जिन्होंने उसको धीरे धीरे विष देके, पहले उनको मालूम था विष प्रयोग होगा, राजा है यहाँ पे कोई ना कोई करेगा, उसकी एक खोरासानी रानी थी उसने विष प्रयोग किया था उसको, तो माँ तो मर गई, ये बच्चे के गले में एक बूंद फिर गया इसलिए उसे बिंदुसार बोलते, इतिहास भी हमें मालूम चाहिए, क्योंकि ये शास्त्र जो है ना ये सब शास्त्रों को लेके चलता है। तो ये गुलिक है, गुलिक का वर्णन, गुलिक का उत्पत्ति करते हैं। पहले विष कन्याओं का भी इसी तरह पालन होता था ना? हाँ, करता था, करते थे हाँ, परंतु वो उसका क्या था, उसको पूरे विषक्त बना देते थे विष कन्याओं को, उनको भी धीरे धीरे विष, तो ये क्या करती थी, ये इसको विष देते रहता था, पर विष से वो मरती नहीं थी, दूसरा मरता था, तो वहां वो विषदो हो जाती थी, जो उनके बड़ा वो विषहत हो जाता था।
विष से मरने वाला एक रहता है और एक विष देने वाला रहता है, तो उनको भी बूंद बूंद से ही दिया जाता था। तो धीरे धीरे उसकी मात्रा बढ़ाते थे। चंद्रगुप्त मौर्य को भी आचार्य चाणक्य ने पहले से बोले, राजा होगा तो इसको विष प्रयोग होना ही है, तो उसको ऐसा करके उसको बिल्कुल इसको विषकन्या से उसको कोई असर नहीं हुआ, इस प्रकार का कर दिया था। तो इसीलिए विष का प्रयोग अच्छे के लिए भी कर सकते हैं, बुरे के लिए भी कर सकते हैं। बुरे के लिए करेगा उसका यदि धर्मस्थान या पंचमस्थान में कोई गड़बड़ होगी तो वो कर सकता है, करेगा ऐसा नहीं, हो सकता है। हमें ख्याल में रखना है कि ये संभावनाओं का शास्त्र है, कर्म का ही फल मिलेगा, तो कर्म करने के लिए मन आपको उद्दीप्त करेगा। तो चंद्र का भी यहाँ कहीं संबंध आ जाता है, वो आएगा। तो चंद्रा दृष्टि क्या होता है, अब सगुली का तो हो गया, अब एक ग्रह रहा है ना, अभी भी मंगल हो गया, गुरु हो गया, गुलिक आ गया, अब ये क्या करेगा। चंद्र दृष्टि चौरा अपहृत धनस चौरो वा, यानी या तो इसके इसका धन कोई चुरा के ले गया या खुद चोरी करेगा। फिर से क्या करेगा, द्वितीय भाव है ये धनस्थान है। देखो उसको कितना खूबसूरती से जुड़ा, और जो स्वांश है ये इसका स्वभाव है, इसलिए ये दोनों में से कुछ भी रह सकता। मुझे ज्यादा लगता है कि द्वितीय भाव से संबंध ये सब है, पर स्वांश का मतलब तत्र का मतलब दो भी हो सकता है, तो दो होने की संभावना ही ज्यादा दिखाई दे रही है यहाँ पर। परंतु ये मूल स्वभाव में भी रह सकता है, क्योंकि हम जब पंचम और नवम बोलते तो लग्न भी तो उसी का एक हिस्सा है, त्रिकोण का है ना। तो इस ढंग से हम सोचे, और चंद्र को चोर से बड़ा नजदीक गिना गया। पहले हमारे महाराष्ट्र में बोलते थे, समझे क्या बोलते हैं कि वो चतुर्थी के दिन वो चंद्र नहीं देख रहा, 20 का चंद्र देखेंगे तो चोरी का उस पर इल्जाम आ जाएगा, ऐसा वैसा कुछ भी था। वो मेरे ख्याल से भगवान कृष्ण पे आया था है ना, उसने हाँ चंद्र देखा था। तो चंद्र का चोरी से बहुत संबंध है, क्योंकि ये मन है ना। हाँ सर, तो मन क्या है, कहीं भी जा सकता है। बुद्धि तो बुद्धि को तो समझ आती है, पर ये मन बुद्धि को लेके भाग सकता है इधर उधर। जी मेरे ख्याल से ऐसा कुछ है ना, बुध चंद्र वगैरह इकट्ठा रहे तो चोर और त्रिकोण। बोलते हैं कि यदि बुध और चंद्रमा पर पापी ग्रह की दृष्टि हो तो वो आदमी चोरी कर सकता है। कर सकता है, कौन मैन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कि भैया वो हो सकता है, टोपी बना सकता है, है ना। तो इसलिए वो देखो चंद्र उसी को कितना खूबसूरती से उसने उसका प्रयोग किया है ना। उसके बाद में आता है बुध, बुध रह गया था और बुध को लाना पड़ेगा। तो बुध मात्र दुष्ट है बृहद बीज, ये बृहद बीज का अर्थ हमें समझना चाहिए। अंडकोश जब बड़े होते हैं, इसको जिसको अंग्रेजी में हाइड्रोसिल बोलते हैं, उसको बीज बोला जाता है, क्योंकि वहीं से जो आपका सृजन की क्या कहते हैं उसे, आजकल मुझे भूलना ज्यादा हो रहा, वीर्य जो है वो वहां से आता है, वहां बनता है। वो आता तो बाहर है पर वो कहीं से भी बनता है। तो वो जो है वो बड़े हो जाते हैं, उसको हाइड्रोसिस बोलते हैं अंग्रेजी में, इसमें बृहद बीज बोलते हैं। परंतु ये भी ख्याल में रखना, क्योंकि वो क्या है, इसका स्वभाव क्या है, देखिए द्वितीय भाव में होंगे तो वो अष्टम भाव के बिल्कुल सीधे में। हाँ। हाँ, तो अष्टम भाव क्या है, तो हमारे जननेन्द्रियों की जगह है ना, और बुध की तो एक ही दृष्टि रहती है। तो यदि हम ऐसा माने कि हम राशि दृष्टि देख रहे हैं, हालांकि राशि दृष्टि में वो कहीं पर भी रह सकता है, द्विस्वभाव राशि होगी तो वो अष्टम में ही रहेगा। और ये जो बुध है, हो सकता है कि द्विस्वभाव राशि में ही ये आपको ज्यादा दिखेगा, बाकी राशियों में नहीं दिखेगा। तो वो कृपया आपके पास जो राशि चक्र आएंगे वहां देख लेना, कभी ऐसा कोई आया आपको। तो बुध ये त्रिदोष युक्त है, इसमें तीनों दोष आए हुए हैं। उधर आपके पास रवि है, वो तो ठीक है, वो पित्त का कारक है ना। उसके साथ राहु है, ये शनि समान है, ये वात का कारक है। इसके साथ ये बुध भी और आ गया, और ये जननेन्द्रियों की तरफ देख रहा है। तो हो सकता है कि इस कारण उन्होंने कहा ये बहुत लंबा चलने वाला जो रोग है ये बुध देता है, इसीलिए उसका चर्मों पे अधिकार है। और चर्म रोग देखिए कभी खत्म नहीं होते, दवाई लेते रहो ठीक रहेंगे, पर दवाई मत लो फिर से आएंगे, है ना। चर्म रोग, चर्म पे, त्वचा पे, त्वगेंद्रिय पे बुध का अधिकार है, इसका बहुत खूबसूरती से प्रयोग किया है। और ये बुध कई बार इसको हम हर्मोफ्रोडाइट भी बोलते हैं, इसे हम हाँ तृतीय पंथी बोलते हैं, शनि को भी बोला जाता है, उसका आगे में आएगा कुछ न कुछ।
परंतु ये बुध का, इस वजह से वो बृहद बीज बोला गया, क्योंकि बुध के दृष्टि से भाव तो पुष्ट होता है। तो अब ये पुष्टता को और इनको सबको बीच में लेके उन्होंने बना दिया कि ये बृहद बीज होता है। अब ये प्रश्न आता है कि यदि समझो स्त्री जातक का होगा तो क्या होगा, तो इसे हमें विचार करना पड़ेगा। हाँ अब राशि दृष्टि में षष्ठ से भी दृष्टि जा सकती है, इसे मत भूलिए। और ये जो भाव है यहाँ पर ओवरीज रहती है ना, तो वो जो रज निकलता है वो वहां से निकलता है, तो हो सकता है कि एनलार्जमेंट ऑफ ओवरीज हो, ओवरीज बड़ी हो गई हो या वहां सिस्ट हो गया हो। आजकल हाँ, तो सिस्ट होने ओवर, से फिर हमको देखना है कि भाई इसको प्रजनन में कोई तकलीफ तो नहीं होती, स्त्री होगी तो, पुरुष होगा तो वो तो उसका ऑपरेशन हो जाता है ना। तो इसे इसे हम इस दृष्टि से यदि देखेंगे तो हो सकता है कि हमें वैदिक ज्योतिष पे ज्यादा रिसर्च हुआ नहीं है, पर यदि करेंगे और हमारे राशि चक्र में हम सोचेंगे ढंग से तो शायद इसमें हम यहाँ से हम और कुछ जो रत्न है इस सागर के, ज्योतिष सागर के, हम निकाल सकें। ये निकालना हमारा काम है, वो तो भगवान ने दे दिए हैं, आप निकालना है शक्ति तो आप निकालो, मत मत निकालो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। कर्म का फल देते हैं भगवान, ऐसा बोलते हैं वो, तो हम हमारा कर्म करें। मैं इस दृष्टि से इसे देखूंगा। बाद में आता है अब शनि रहा था, बुध शनि दृष्टि निर्वीर्य, फिर से एरिया वही आ गया, भाव वही आ गया अष्टम के सामने रहने से। ऐसा तो तृतीय से भी देख सकता है शनि, या कुछ स्थिति में षष्ठ में बुध और तृतीय में शनि रहा तो भी राशि दृष्टि पड़ सकती है। तो क्योंकि शनि एक और बड़ा भारी ग्रह है तो वो कुछ भी कर सकता है। तो ऐसे स्थिति में क्या होता है, वो निर्वीर्य रहता है। हमने अभी बात कर रहे थे कि उसको तृतीय पद से समझा जाता है, वो लोग समझते हैं कि इसका मतलब वो इम्पोर्टेंट रहता है, कि वो क्या कह सकते हैं हम इम्पोर्टेंट को, तो मुझे हिंदी में शब्द ख्याल में नहीं आ रहा है, तो वो तृतीय पद ही रहता है, ऐसा नहीं रहता। तो इसके शुक्राणु में शक्ति नहीं रहती प्रजनन की, जी ये जरूरी नहीं कि वो संभोग को अक्षम रहे, हाँ लोग इस तरफ ले जाते हैं जब निर्वीर्य समझते हैं। नहीं जी नहीं इसका मतलब यही है कि या तो इसका मैं ये भी समझ सकता हूं कि शनि ये मंद है, तो हो सकता है उसके शुक्राणु की गति कम हो, और वो हाँ गति कम होने से वो बराबर टाइम पे वो, क्योंकि वो 40 घंटे के अंदर में वो रज से मिलना चाहिए तभी वो संतति हो सकती है, उस फर्टिलाइजेशन वजह से उसे निर्वीर्य समझा जाता है, निर्वीर्य नहीं रहता। क्योंकि लोग क्या करते हैं, मैंने देखा आजकल के जमाने में बड़े जल्दी किसी को कुछ भी बोल देते हैं, तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमने सोचना चाहिए कि होता क्या है। अच्छा, इसके मैंने दो एक दो मेरे ख्याल से वो सूत्र खा गया बीच में बोलने के चक्कर में करके तो तो हाँ, ये बुध शनि दृष्टि बाद में आता है तो गड़बड़ कर देता हूं मैं। फिर आता है कि तत्र, यहाँ तो बिल्कुल स्पष्ट द्वितीय भाव से ही बात कर रहे हैं, हो सकता है स्वांश भी हो, क्योंकि तत्र का हमने यदि कटपयादि विहीन यदि प्रयोग किया तो फिर तो वो स्वांश के बारे में। तत्र के तो पाप दृष्टे कर्ण छेद कर्ण रोगो वा, या तो इसे कर्ण रोग होंगे या इसका कान काटा जाएगा, है ना। वहां केतु होके पाप की दृष्टि पड़े तो यहाँ पे सहसा इसमें हम दो ढंग से देख सकते हैं कि इसमें शायद ये रवि राहु भय खत्म हो गया और केतु केवल आ गया, हम ऐसा भी सोचते हैं, या इसको इसी कड़ी का एक भाग भी समझ सकते हैं। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि आपके पास जो राशि चक्र आएंगे उस पर प्रयोग करके देखना, क्योंकि कोई लोग आते हैं कोई ना कोई तकलीफ से, तो देखना कि ऐसा कुछ हो तो नहीं रहा, अरे इसमें कुछ मिल तो नहीं रहा। और ये ज्ञान आप बाकी लोगों को बांटिए, उसका फायदा ही होगा, कोई नुकसान नहीं होगा, ज्ञान बांटने से बढ़ता है और अपने पास रखने से खत्म होता है, ऐसा मुझे बचपन में सिखाया गया। तो पर यहाँ एक अर्थ ये भी हो रहा है कि द्वितीय भाव को हम सहसा आंखें समझते हैं और तृतीय को हम कर्ण समझते हैं। जैमिनी महाराज ने इनको अलग दृष्टि से देखा है, इन्होंने द्वितीय भाव को कर्ण समझा है। अब यदि क्योंकि केतु तो दे देता है तो भाई कर्ण काट लेना तो बहुत आसान है, केतु का स्वभाव है कोई भी चीज दे देने की, वहां केतु कर सकता है, मंगल का वो हाँ रिप्रेजेंटेटिव है ऐसा उसका, हाँ उसका प्रतिनिधित्व करता है तो काटना
खून निकालना तो बनता है। काम है, वो करेगा। कर्ण रोग भी कर सकता है क्योंकि रोग अंदर में कुछ ब्लीडिंग हो सकता है कान के अंदर में, उसकी तरफ वो इशारा शायद कर रहा है। अब पर वहां पे पाप दृष्टि होना, इसे ख्याल में रखना। केवल केतु खुद नहीं करेगा, लोग वहां गड़बड़ कर देते हैं कि केतु को हम पाप पाप समझते हैं ना, तो उसके पे कभी विचार करना पड़ेगा कि उसमें और कुछ है तो जो हम नहीं समझ रहे। और इसीलिए केतु भैरव में रहा तो मोक्ष प्राप्त होता है, वैसा ऐसा ऐसा कहते, तो पाप ग्रह तो मोक्ष नहीं देगा, है ना। तो हमें भी सोचना चाहिए कभी कभी कि हमारा हमारी समझ गलत तो नहीं हो रही। जी अब राहु का हिस्सा है इसलिए उसको गलत ढंग से तो नहीं सोच रहे, है ना। तो ये तो ये विषय तो नहीं है अभी, पर मेरे को लगता है ये बोलना अच्छा है, बताना चाहिए। तो ये द्वितीय भाव को देख रहा है, द्वितीय भाव में कर्ण समझ रहे हैं। और ये आगे भी दिखता है, वो बोलते हैं बुध शुक्र दोष दीक्षिता, बुध भाव को पुष्ट करता है, बुध भाव को पुष्ट करता है उसको वो कर्ण समझ रहे हैं। और शुभ ग्रह यदि देखेंगे तो हमको कान को अच्छी चीजें सुनाई देगी। ये आपको मुझे याद तो नहीं आ रहा है श्लोक, पर है श्लोक के गुरु यदि 11वें में है तो उसके कान पे अच्छी बातें पड़ती हाँ है ना। तो कान को 11वां और तीसरा भाव को कान भी समझा गया है। हाँ तो जब बुध के समान शुभ ग्रह रहेगा, और जैमिनी के मानने के हिसाब से उनके ऋषि का कहना है कि द्वितीय भाव यदि उसका कर्ण होगा तो बुध तो देखेगा देखेगा, उसके साथ शुक्र देखेगा। शुक्र ये गुरु है, शुक्र ये संजीवनी मंत्र का दाता है, मंत्रों पे उसका अधिकार है, उसको कभी भी भूलना नहीं चाहिए हमें, है ना। तो गुरु जब दीक्षा देता है ना तो दीक्षिता है बोलता है। वो दीक्षित क्यों होता है? क्योंकि दीक्षा जब देता है गुरु, वो आपके सर पे एक कपड़ा जो पुराने ढंग से जो जो जिनको समझता है ऐसे गुरु, आजकल तो वो मंत्र वत्र देते रहते किसी को, वो अलग बात है, पर आपके सर पे कपड़ा रखा जाता है ना। मेरे ख्याल से आपको उत्तर दिशा में या पूर्व दिशा में बैठाया जाता है, फिर आपके कान में गुरु मंत्र देता है। ये कान का संबंध बुध और शुक्र से आते साथ, पाप दुष्ट नहीं है, केतु भी नहीं है, और गुरु मंत्र दे रहा है, इसलिए उसको दीक्षित कहा गया। जिसने दीक्षा प्राप्त की उसे दीक्षित कहा जाता है ना। तो इसे ध्यान देखिए कैसा हमारे पुराने शास्त्रों का और ज्योतिष का बहुत खूबसूरती से उन्होंने एक उससे एक बड़ा भारी वस्त्र बनाया है, वो रेशमी वस्त्र ही हम समझे, क्योंकि वो आसान नहीं है समझना। तो मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा मानना है, इस वजह से वो दीक्षित कहता है। अदरवाइज दीक्षित क्यों कहता है? क्योंकि केवल बुध देखता है तो वो बृहद बीज बनाता है। अब ये शुक्र आ गया तो इसको क्या हो गया बीच में? हमने तो सोचना तो चाहिए ना। हाँ, हम ये भी सोच सकते हैं कि नैसर्गिक कुंडली के तृतीय राशि का स्वामी बुध हो के उसके साथ शुक्र होने की वजह से कान में वो डालता है, ऐसा भी हम सोच सकते हैं। परंतु यहाँ द्वितीय भाव या स्वांश की बात कर रहे हैं। हाँ तो हमने हमारी जिसको इमेजिनेशन बोलते हैं, हमारी जो कल्पना शक्ति है उसको बहुत ज्यादा विलास नहीं होने देना चाहिए। तो मैं ऐसे दिखा रहा था कि हम कैसा उसको और तिरछा ले जा सकते हैं, पर ऐसा करो मत, सूत्र को मत छोड़िए, सूत्र को पकड़ के रखना है, सूत्रबद्ध कोई भी चीज होना। उसके बाद में जैसा कि मैंने जब भी बोला कि बुध शनि दृष्टि निर्वीर्य, क्योंकि हाँ शनि आते साथ एकदम बदल ये हम गया। पहले भी कर ये पहले ही कर चुके हैं। और दोनों को भी नपुंसक ग्रह कहा गया है यदि आप शास्त्र में देख, इसीलिए उन्होंने कई जगह कहा है सिद्धम अन्यतः, बाकी चीजें सिद्धों ने पहले ही बताई है। जैमिनी के जो आग्रही है वो कई बार भूल जाते हैं कि जैमिनी ने दो चार बार, मेरे ख्याल से ज्यादा बार, 3 बार कम से कम तो बोला है कि सिद्धम अन्यथा, उरुदाय सिद्धा, होरादय सिद्धा। वो सिद्धों को मानते हैं, उनको मानने वाले कई बार नहीं मानते वो अलग बात है, पर वो तो खैर हर आदमी विद्वान है, ज्योतिष विद्या में तो ऐसे तो कोई आते नहीं है ना, निर्बुद्ध तो आते नहीं। तो मैं तो बोल रही, मैं मेरा विचार प्रकट करना चाहता हूँ। तो इस उम्र में विचार प्रकट करने को लोग ठीक मानते हैं, बच्चा था तो मेरे को भगा दिया रहते थे, मैं बोले कोई तेरे को समझता नहीं है ना। तो यहाँ तक हम आ गए हैं, 34वां हमने सूत्र पढ़ा है, आगे हम 35वें सूत्र से देखेंगे। जब हमें समय मिलेगा तो हम संभाषण आपसे करेंगे। तो ये आपकी मानता है कि आप हमारे से संभाषण करती है, आप आपको काफी नॉलेज है, मैं सिर्फ उसको थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। सर बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर सूत्र के साथ। हमारे को जेमिनी को कितनी सुंदर से आपने एक्सप्लेन किया है। हम लास्ट 10 लेक्चर से ये करते आ रहे हैं। आप सबको
मेरा निवेदन है कि आप अपने कमेंट्स जरूर लिखें, और आपके चार्ट्स में ये जब लगता है तो क्या इसका परिणाम आता है ये भी लिखें, कि ताकि हमको भी उत्साहित, हम भी उत्साहित हों और नए चैप्टर्स आपके लिए लेकर आए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए।